युद्ध पर हमारी ये मां कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 3 यूट्यूब चैनलों पर गलत सूचना फैलाने के आरोप में रोक लगा दी है। इन चैनल्स पर पीएम मोदी और सीजेआई के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लग रहा है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने फेक न्यूज फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल्स पर रोक लगा दी है। इन यूट्यूब चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर थे और 30 करोड़ से ज्यादा बार इसे देखा गया था। बताया ये जा रहा है इसके बारे में कि ये चैनल ईवीएम पर भी गलत सूचना फैला रहे थे। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, किस तरह के आरोप के बाद ये सख्त कार्रवाई इन यूट्यूब चैनल्स पर की गई है? बिल्कुल, ये पीआईबी की फैक्ट चेक टीम है, पत्र सूचना जिसे कहते हैं, उनकी एक फैक्ट चेक टीम बनाई है सरकार ने, जिसमें सरकार के ऊपर गलत अगर सूचना कोई फैलाता है सोशल मीडिया पर, उसको चेक करके उस पर बैन लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है 3 यूट्यूब को बैन करने का, जो कि जिनकी कंबाइंड व्यूअरशिप प्रशांत 33 लाख थी, और ये बहुत ज्यादा थी, जो ईवीएम से लेकर सरकारी योजनाओं से लेकर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, सरकारी योजनाओं के बारे में गलत सूचना फैला रही थी, इसलिए इन सब पर बैन लगाया गया। अब तक कुल मिलाकर 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल बैन कर चुकी है भारत सरकार। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। तो इस वक्त बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने फेक न्यूज फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। लेकिन वहीं एक और बेहद अहम और ये बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन को लेकर। परमाणु खतरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने खुद युद्ध के मोर्चे पर जाकर के दौरा किया है। उन्होंने हेलीकॉप्टर से कई मोर्चों को देखा, समझा और फिर उस मिलिट्री अड्डे पर उतरे, जिसे इस युद्ध में रूस का सबसे खास और खुफिया बेस कहा जा सकता है। बेलारूस के वीडियो में पुतिन के फौजी एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। ये सब कुछ पुतिन के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। ऐसे हमले की टाइमिंग क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बर्फ वाले मौसम में लड़ने के लिए रूस और बेलारूस दोनों की फौज तैयार है। यहाँ वो रॉकेट लॉन्चर से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टैंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से भी किसी मोर्चे पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं। ये वीडियो पुतिन ने खास तौर से बनवाया है